हरियाणा के हिसार की 16 साल की शिवांगी पाठक ने फतह की एवरेस्ट की चोटी। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल से 3 घंटे तक हुई पूछताछ। यूएस के टेक्साल के स्कूल में फायरिंग, 9 छात्र व एक टीचर की मौत। ब्यास दरिया में शुगर मिल से लीक हुआ शीरा, मिल जाने के बाद शुगर मिल सील, 25 लाख सिक्योरिटी जब्त। क्यूबा में विमान क्रैश, 113 लोग सवार थे, बड़ी संख्या में मौत। उत्तराखंड के टनकपुर में मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को डंपर ने रौंदा, 11 की मौत, 15 घायल। मलेशिया में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व पीएम नजीब रजाक के घर छापेमारी, नकदी ज्वेलरी से भरे 72 बैग मिले, खाली बैग ही 1,03,00,000 रुपए के हैं। आईपीएल क्रिकेट, दिल्ली ने चेन्नई को 34 रनों से हराया। टाटा स्टील ने आईबीसी के तहत भूषण स्टील की 73% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। लोकसभा सदस्य अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने डेटा सुरक्षा व निजता पर जनता से मांगे सुझाव। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को यादगारी समारोह मनाने की योजना, जहां गुरु जी गए थे उन मार्गों का नाम गुरु नानक मार्ग रखने का ऐलान। फिल्मी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इंग्लैंड के प्रिंस की रॉयल वेडिंग में लंदन पहुंची।